आपदा प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका। अपने क्षेत्रों के भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का ज्ञान स्थानीय प्रतिनिधियों को बहुत अच्छे से होता है, इसलिए किसी भी तरह की आपदा के समय सबसे पहले सहायता, सुझाव, सेवा या सहयोग के लिए उन्हें ही याद किया जाता है। पंचायत प्रतिनिधियों के सुझाव सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का मुख्य हिस्सा है, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्राकृतिक आपदा व मानव निर्मित आपदा दोनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो इसके प्रबंधन में अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाएंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्र, राज्य व जिला स्तर पर विभिन्न संस्थाएं आपदा में राहत कार्य करती हैं। किसी भी तरह की आपदा के समय पंचायतें इन्हीं संस्थाओं से संपर्क करती हैं। कई बार अपने क्षेत्र के हालातों को देखते हुए संभावित आपदा से निपटने के लिए गांव के ही युवाओं को पंचायतें प्रशिक्षण दिलवाती हैं। इसके अलावा किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए पंचायतें अपने क्षेत्र में आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बाढ़ संभावित क्षेत्र में बाढ़ आने के खतरे को देखते हुए पंचायतें बाढ़ राहत शेल्टर बनवा सकती हैं। आपदाओं को रोकने के लिए पंचायतें निम्नलिखित कार्य कर सकती हैं: जीवन यापन की सामग्री का संरक्षण, आपदा की संभावना को देखते हुए जीवन यापन की सामग्री संरक्षित की जा सकती है, आवास निर्माण पर रोक, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सामान्य जमीनी तल से नीचे आवास निर्माण पर रोक लगा सकती है, भूकंप जोन मैपिंग, अपने क्षेत्र के भूकंप जोन की मैपिंग करवा सकती है, भूकंप जोन में निर्माण पर रोक, अगर पंचायत क्षेत्र भूकंप जोन 4 या 5 में आता है तो खतरे की संभावना को देखते हुए भवन निर्माण पर रोक लगा सकती है, भूमि के कमजोर भागों पर कार्य, भू वैज्ञानिकों के सलाह पर इमारत बनाने की तकलीफों व भूमि के कमजोर भागों को मजबूत बनाने संबंधी कार्य कर सकती है, भूकंप रोधी निर्माण, अपने पंचायत क्षेत्र में भूकंप रोधी निर्माण करवा सकती है, आपदा प्रबंधन पर बैठक, समय समय पर आपदा प्रबंधन पर बैठक आयोजन कर तैयारियों का जायजा ले सकती है, राहत सामग्री पोस्टर, आपदा और राहत सामग्री से संबंधित पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चिपकवा कर जनता में जागरूकता फैला सकती है। किसी भी आपदा के प्रभाव को रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधि उसके आने से पहले कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे अग्निशामक यंत्र, गांव में विद्यालयों, अस्पतालों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अग्निशामक यंत्र रखवाना, अग्निशामक यंत्रों की जांच, अग्निशामक यंत्रों की समय समय पर जांच करवाना, आपदा को रोकने के लिए व्यवस्था, अपने क्षेत्र में आने वाली संभावित आपदा को रोकने के लिए व्यवस्थाएं करना, जलाशयों की सफाई, तालाबों, नदियों और सभी जलाशयों की समय समय पर सफाई करवाना, ऊंचे स्थानों की पहचान, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में पंचायत अपने आसपास की ऊंची जगहों की पहचान कर सकती है ताकि बाढ़ आने पर लोग वहां पनाह ले सकें, बाढ़ के पानी को रोकने का प्रबंध, बाढ़ के पानी को ग्रामीण आवास में घुसने से रोकने का प्रबंध कर सकती है, बिजली सप्लाई कट, तेज आंधी बारिश के समय बिजली की सप्लाई को बंद करवा सकती है, आपदा के दौरान राहत प्रदान करने में पंचायतों की भूमिका, आपदा आने पर सबसे पहले तो पंचायत प्रतिनिधियों को हिम्मत से काम लेना चाहिए, किसी भी तरह की अफवाहों से बचना चाहिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स व
अन्य बचाव दल जब तक ना आए तब तक प्रशिक्षण प्राप्त स्थानीय युवाओं की सहायता से राहत व बचाव कार्य किए जा सकते हैं। बाढ़ की समस्या को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं, महिलाओं और बच्चों का विशेष ख्याल रखें। आपदा घटित होने के बाद पंचायत की भूमिका। आपदा के गुजर जाने के बाद भी सामान्य जीवन अस्त व्यस्त रहता है, आमतौर पर भारी जान माल की हानि होती है, यातायात और संचार ठप हो जाते हैं, इसलिए आपदा के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों को कुछ काम करने चाहिए, जैसे सबसे पहले प्रभावित होने वाले लोगों की लिस्ट बनाएं, आपदा से होने वाले नुकसान का आंकलन करें, बीमारियों से बचने के लिए मृत शवों व कंकालों को हटवाएं, बिजली संचार और यातायात व्यवस्था को दोबारा चालू करवाएं, आपदा ग्रसित लोगों के परिवारों के मुआवजे का प्रबंधन करें, सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत सामग्री को जरूरत अनुसार बांटें, केंद्र व राज्य सरकारों के साथ संबंध स्थापित करें, पुनर्वास भोजन दवाई तथा अन्य जीवन यापन की आवश्यकताओं की रिपोर्ट सरकार को भेजें। आपदाओं से नहीं डरना है, राहत और बचाव का प्रबंध करना है।